दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे, फ्रीलांसिंग स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मेरे एक व्यूअर का कमेंट आया, एक नहीं कई सारे कमेंट्स आए, जहाँ पे मेरा एक व्यूअर आज फ्रीलांसिंग स्कैम का शिकार हो गया। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या लिखा है। मैं शिकार हो गया आज, सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा, मैंने दे दिया। जिसके साथ चैट हुआ था उसका अकाउंट क्लोज हो गया। दूसरे आदमी से मेल आया, वो बोला सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें नहीं मिला, अगर कल तक पैसा नहीं मिला तो हम कैंसिल करेंगे। वो वर्क भी भेजा, हम क्या करें, मैं क्या करूं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि फ्रीलांसिंग में इस तरीके के स्कैम्स, इस तरीके के फ्रॉड्स होते रहते हैं, और मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब मेरे कोई व्यूअर्स मुझे इस तरीके का कमेंट्स करते हैं। मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूं, आप मेरे वीडियो देख के फ्रीलांसिंग में ज्वाइन होते हो, पैसे कमाने के लिए जाते हो, बट वहीं पे अगर आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड हो जाता है, अगर पैसा कमाने के बजाय आपसे पैसा ले लिया जाता है, स्कैम हो जाता है आपके साथ, तो आपको जितना बुरा लगता है उतना ही बुरा मुझे भी लगता है। और इस तरीके के इंसिडेंट और भी आगे ना हो, इसके लिए जितने भी व्यूअर्स आज इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी से मुझे एक हेल्प चाहिए। मैं एक और कमेंट आपको दिखाता हूं, यहाँ पे नीचे ही, यहाँ पे आप देखिए। हे आई गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट लेटर फ्रॉम द एचआर पर्सन साइंड बाय द सीईओ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। इनको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला है एक सीईओ से, वर्चुअल असिस्टेंट का एक जॉब था, बट दे आस्क्ड मी टू बाय सॉफ्टवेयर फॉर $150। $150 का एक सॉफ्टवेयर उनको परचेज करने के लिए बोला गया है। $150 यानी करीब 10,000 से ऊपर का जो सॉफ्टवेयर है उनको परचेज करने के लिए बोला गया है एक वेंडर से। तो ये पूछ रही है मुझसे क्या ये स्कैम है या नहीं। जी हाँ, ये स्कैम है। फ्रीलांसिंग में अगर कोई भी आपसे पैसा मांग रहा है या कुछ परचेज करने के लिए बोल रहा है कोई क्लाइंट, तो वो बिल्कुल ही स्कैम है। दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ कि फ्रीलांसिंग में कैसे ज्वाइन होना है, कैसे काम करना है, मैं लाइव वीडियोस बनाता हूँ, उन वीडियोस पे बहुत ही ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। लोग मेरे एक्सपीरियंस देखना पसंद करते हैं, लोग देखना पसंद करते हैं मैं कितना कमा रहा हूँ, कैसे कमा रहा हूँ, क्या क्या काम कर रहा हूँ। बट जब भी मैं किसी, सिर्फ मैं नहीं जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जब वो किसी सीरियस इशू पे वीडियो बनाता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो वीडियो है, हाउ टू डिटेक्ट फ्रॉड क्लाइंट एंड फेक प्रोजेक्ट्स ऑन फ्रीलांसिंग, इस तरीके के सीरियस इशू पे अगर कोई वीडियो बनाता है तो उस वीडियो को लोग देखना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते ये मैं आपको बताता हूँ। हम सभी के सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज चलता है कि हम स्मार्ट है। जब भी कोई इस तरीके के वीडियोस को देखता है तो उसको लगता है कि नहीं, मेरे साथ स्कैम नहीं होगा, मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने सिक्योरिटी पे ध्यान देता हूँ, मैं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे कभी पैसा भेजूंगा ही नहीं। मैं भी सोचता था, बट मेरे साथ भी एक बार स्कैम होते होते मैं बच गया था। इसके एक्सपीरियंस भी मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया था। मैं बताता हूँ एक बार क्या हुआ था। मुझे प्रोजेक्ट मिला था जहां पे मेरे क्लाइंट ने बोला था कि वो पेपल के थ्रू पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, उसका बैंक पेपल के थ्रू अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैं उसके एक दोस्त को पैसा भेज दूं $100, और उसके लिए वो मुझे freelancer.com में $300 सेंड करेगा। पहले बोल रहा था $200, फिर $300। तो मैं वो चीज कर रहा था, सुबह के 3:30 या 4 बजे थे तब, और मैं अपने SBI से पैसा ट्रांसफर करने का कोशिश कर रहा था, पर पैसा ट्रांसफर हुआ नहीं, जिस वजह से मैं इस स्कैम का शिकार होते होते बच गया था। पैसा ट्रांसफर हुआ नहीं, उस आदमी ने मुझे freelancer.com में पे कर दिया था पैसा, $300 पे किया था। बट कुछ ही टाइम के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ मिनटों के बाद ही, करीब 15 मिनट्स बाद, उस क्लाइंट का अकाउंट freelancer.com ने ब्लॉक कर दिया, और जो पैसा मुझे मिल गया था, जो मेरे freelancer.com के डैशबोर्ड में पेमेंट सेक्शन में दिखा रहा था, वो पैसा फिर से वापस चला गया उस आदमी के पास। तो मैंने फ्रीलांसर से बात किया कि क्यों ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक स्कैम है, प्रोग्रामिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया था जिस वजह से ऐसा हुआ था, हमने क्लाइंट को ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, मैं भी समझता था, बट कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है और हम इस तरीके के स्कैम्स में फंस जाते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके के जितने भी वीडियोस है, ना सिर्फ मेरे वीडियोस, जितने भी यूट्यूबर के वीडियोस आप फॉलो करते हो, अगर वो किसी सीरियस इशू पे वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि ये हाउ टू डिटेक्ट फ्रॉड क्लाइंट्स फेक प्रोजेक्ट्स, उनको आप शेयर किया करिए।
चाहे आप अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप में, कहीं पे भी शेयर कीजिए उस वीडियो को, ताकि इस तरीके के वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। ये जो मेरे व्यूअर्स है, इन्होंने शायद मेरे बाकी जितने भी मेरे एक्सपीरियंस के वीडियो है, जहाँ पे मैं कुछ अर्न कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो सब दिखाया, वो सब देख के इन्होंने ज्वाइन किया होगा और फिर इस तरीके के स्कैम्स का शिकार हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने मेरा ये वाला वीडियो पहले नहीं देखा था। तो अगर आप इस तरीके के वीडियोस को, ना सिर्फ मेरे बल्कि जितने भी यूट्यूबर इस तरीके के सीरियस इशू पे वीडियो बनाते हैं, अगर आप उनके वीडियो को शेयर करते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हो, तो वो भी इस तरीके के स्कैम्स के शिकार होने से बच सकते हैं। रिक्वेस्ट है, इस तरीके के वीडियोस को शेयर कीजिए। और कभी भी फ्रीलांसिंग में कोई अगर आपसे पैसा मांगे तो बिल्कुल भी पैसा मत दीजिए, क्योंकि वहां पे आप अर्निंग करने के लिए गए हो, ना कि किसी को पैसा देने के लिए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो एक रिक्वेस्ट रहा, इस वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू।